ये पतले बन्ने दीवार टुटी है, दीवार टुटी होने करके चोरी इतनी होंगी है, समान ले जाते कट के सरकार कहन के नाल नाल उन्हां चीज़ों के उत्ते तवज्जो रखनी चाहिए, निगाह रखनी चाहिए, जिते दिक्कत आती है उन्होंने दिक्कत को सरकार दूर करे, चाहे जिते रजिस्ट्रिया का भुगतान हों, कोई सेवा केंद्र ने, वो सारे विजिट करके उन्होंने सारे ही आप ट्यूनअप करना भी जिते जिते प्रॉब्लम ने उन्होंने हल हो, जिहड़ियां इत्थे मुश्किलात ने वो देख के आर टी ए साहब नूं भी बुलाया, वो भी आए ने और उन्होंने कहा कि इन्हों इमीजिएटली दूर किया जाए। एक तो साफ सफाई का बहुत माड़ा हाल है। मैंबर पार्लीमेंट गुरजीत सिंह औजला ने अमृतसर के आर टी आई दफ्तर का दौरा किया, जिस दौरे दौरान गुरजीत सिंह औजला के वलों आर टी आई अधिकारियों के नाल बैठक भी की गई, जिस बैठक च आर टी आई अधिकारियों ने गुरजीत सिंह औजला नूं मुश्किलों तो जाणू करवाया कि किवें दीआं मुश्किलां अधिकारियों नूं कामकाज दे विच आ रहियां ने ते किस तरीके दीआं मुश्किलों का उन्हां लोकां नूं सामना करना पैंदा जिहड़े लोग आर टी आई दफ्तर दे विच कामकाज दे लई आउंदे ने। जिस तों बाद मैंबर पार्लीमेंट गुरजीत सिंह औजला के वलों अधिकारियों नूं भरोसा दवाया गया कि वह जल्द ही उन्होंने मुश्किलों का हल करेंगे। मैं जिते ड्राइविंग स्कूल है ना, जिते जितों सर्टिफिकेट लेंदे ने ड्राइविंग का लाइसेंस का, वो अज स्कूल विजिट किया है, जिहड़ियां इत्थे मुश्किलात ने वो देख के आर टी ए साहब नूं भी बुलाया, वो भी आए ने और उन्होंने कहा कि इन्हों इमीजिएटली दूर किया जाए। एक तो साफ सफाई का बहुत माड़ा हाल है, कुछ वाईफाई इतने बहुत डाउन है, उसकी वजह करके लोगों को परेशानी का सामना करना पैंदा, क्योंकि ये सारा इत्थे आर्मी एरिया है, आर्मी एरिए करके वाईफाई चलता नहीं, सिर्फ BSNL ही चलता है, वो नाल बहन की जी समर्था इतने घट है कि मतलब घट्टो घट 100-150 बहन की समर्था होनी चाहिए है। डिजिटलाइज करो कि नंबर बंदा लाइन च ना लगे, नंबर अपना वेख ले कितना नंबर है, वो बैठा रहे, जो नंबर वह उठ के चढ़े जे खिड़की लागे, और पीने वाला पानी का प्रबंध करने की लड़ है। ये पतले बन्ने दीवार टुटी है, दीवार टुटी होने करके चोरी इतने होंगी है, समान लै जाते कढ़ के, सो वो सारिया चीज़ों इन्हों कहा कि इमीजिएटली तुम अपने तैयारी फंडा चो जां सरकार तो 5-7 लाख रुपये का प्रबंध करके इनू कराओ। जे तुहाडे को पैसे की कमी है तो मैं MP लैंड बहुत थोड़ा हुंदा तुहाडे को, चलो मैं इस काम लिए वो भी दे दूंगा, 2-4 लाख रुपया मैं भी दे देना, पक्के है, पक्के वधाउण दी लोड़ है, पक्के खराब ने ठीक कराउण दी लोड़ है, सो बेसिक जिहड़ियां सहूलतां ने उत्थे इत्थे कमी है, वो इन्हां नूं कहा हर हाल दूर करो। इनू देखो ये गर्मियों के मैं हूँ सारे दफ्तरों में विजिट कर रहे हैं, इस करके कर रहे हैं जिहड़ियां मुश्किलां ने, क्योंकि गर्मी का टैंपरेचर बहुत वध्या, तो लोगों को कोई मुश्किल ना हो, जिहड़ी जिहड़ी चाहे कोई कोर्ट है, कचहरी है, चाहे जिथे रजिस्ट्रियां का भुगतान हों, कोई सेवा केंद्र ने, वो सारे विजिट करके उन्होंने सारे ही आप ट्यूनअप करना भी जिथे जिथे प्रॉब्लम ने उन्होंने हल हो, वाशरूम की लड़ है वाशरूम बनाए जाने, इमीजिएटली जो रिलीफ है, क्योंकि गर्मी आने वाले दिनों होर वधन के चांस है, सो इस करके इतने विजिट की है और इन्हों इन्हें विश्वास दवाया कि कुछ दिनों जो मुश्किल ने उन्होंने ठीक कर दें। सरकार कहती थी कि ऑनलाइन ही सब कुछ मिलेगा, लेकिन लोग फिर भी अभी खज्जल खुआर हो रहे हैं, किस तरह देखते हो, लगता है कि सरकार के वादे कर रही है मुकरती हुई नजर आ रही है। देखो कह देन दे नाल अमली जामा पहलाउण दे विच बहुत समा भी लगता है और दिक्कत भी आउंदियां ने, सरकार नूं कहन दे नाल नाल उन्हां चीज़ों के उत्ते तवज्जो रखनी चाहिए, निगाह रखनी चाहिए, जिते दिक्कत आउंदी है उन्हूं दिक्कत नूं सरकार दूर करे। पर मैं जिन्ना भी आगे पुछया है, वैसे इत्थे कोई इन्नी वड्डी कोई किसी नूं ऑनलाइन अप्लाई करन च दिक्कत नहीं आई, मैं उह सारिआं नूं पुछया, जिहड़ियां उन्होंने मुश्किलां दस्सियां ने उह मैं इन्हां नाल सांझियां कीतियां ने, उह इन्हां आख्या कि कुछ दिनां च दूर करने, BSNL दी केबल पैणी है, GM BSNL नूं भी बुलाया मैं हुणे कि तुसीं की दिक्कत है, क्यों नहीं इन्हों जिहड़ा केस देंदे केबल क्यों नहीं पा के देंदे, क्यों डिले कर रहे जी, क्योंकि इत्थे होर कोई इंटरनेट चलता नहीं गा, सो वो भी हुणे आ रहे ने GM भी। यह गलत है ना, ये चीज़ों तो आप ख्याल रखना चाहिए, जो लोग इतने बहुत ने जिदा हम प्राइवेट कंपनी को ये घर भी बंदा रोज़ उठ के झाड़ू पोचा करता है, ये तो उन्होंने सोचना चाहिए, जे बिल्कुल फिर सख्ती ना इन्हों के खिलाफ लिखा भी जाएगा और एक्शन भी लिया जाएगा। पी साहब साढ़े सरदार गुरजीत सिंह औजला जी इतने ड्राइविंग टैस्ट ट्रैक पर आए, मैनू भी फोन करके उन्होंने इतने बुलाया, इतने आम अदरवाइज उन्होंने जी दिक्कत जीडिया उन्होंने सानू इतने दसिया, उस मेनली इंफ्रास्ट्रक्चरल कुछ इशूज़ उन्होंने हाईलाइट किए हैं, कुछ उन्होंने चेयरस वगैरह पब्लिक की सहूलत वास्ते वधाने वास्ते वैलडिड चेयरस का एक सुझाव दिता है, ये ही कितना कित धुप होंगी है, सो शैड वगैरह जी थोड़ी जी एंगल्ड उसकी प्रोजैक्शन थोड़ी जी करके ताकि असी धुप तो भी जो बचा रहे, और इन जनरल थोड़ा साफ सफाई सैनिटेशन और क्लीनलीनैस वल जरा ध्यान दिता, और उन्होंने भी सुझाव दिता कि ये असी थोड़ा जा टोकन सिस्टम इतने अमली जामा पहनाइए ताकि बंदा जरा आ के चेयर से अपना बैठे जो टोकन सिर वो वारी आए
उस वेले जा के अपनी पब्लिक सर्विस लई। सो ये सारे सुझाव ने आने वाले समय के वर्क करके और ये इंप्रोवाइज़ किया जाएगा, इंप्रूव किया जाएगा। लगातार वाधा जा रहा है कि लगता है कि जी पक्षियों की जी रिपेयर जी इमीडिएट जी करन वास्ते जो कह दिता होएगा तुम एक या दो दिन के देखोगे पक्षियों का इदा का जोड़ा इशू है जोड़े ये नाल जो मेनटेनेंस के इशू है रोज़ाना लैवल से छोटे छोटे इशूज जोड़े आते रहते हैं और डेली जोड़ा इनू एड्रैस किया भी जाता है और हूँ MP साहब ने भी क्योंकि सुझाव दते हैं उन्होंने भी अमलीजामा जोड़ा पहनाया जाएगा।